असत्य खबर सत्य सटीक बेबाक। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद पलवल जिले में यमुना नदी के किनारे बसे हुए गांव को अलर्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यमुना नदी पर स्टीमर लगवा दिए गए हैं। जिला राजस्व अधिकारी नरेश जोवल ने जानकारी देते हुए बताया कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी में बाढ़ आने से पहले जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यमुना नदी किनारे बसे गांव में मुनादी करा दी गई है। यमुना नदी में बढ़ते हुए जलस्तर पर पूरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि बाढ़ आने की स्थिति में सरकारी स्कूलों में लोगों के व्यापक प्रबंध कर दिए गए हैं। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो स्थिति पर नजर बनाए रखें। जिला खाद एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों के खाने पीने की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए तैयार रहें। इसी तरह से सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। इसके अलावा NDRF और आर्मी के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है। अगर यमुना के जलस्तर से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो सेना के जवान पूरी मदद के लिए तैयार हैं। भी गाँव में मुनादी करवा दी गई है। जो भी प्रभावित गाँव हो सकते हैं तो उन पे सभी SDMs को बोल दिया है। तहसीलदार सभी पटवारी गाँव के अंदर मौजूद रहेंगे और कोई भी अपना किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसी टाइम इन्फॉर्मेशन देंगे जिला प्रशासन को, जिससे कि हम सरकार को सूचित कर सकें और किसी प्रकार की हानि ना हो उसके लिए मतलब उचित प्रबंध कर लिए गए हैं। NDRF और आर्मी के जो हमारे यहाँ के लिए मुकर किए गए हैं उन्हें संपर्क किया जा रहा है। वो बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जैसे भी किसी प्रकार की कोई आपको हमारे पास डिमांड भेजते हैं हम उसी टाइम यहाँ पर मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। और उसी वहीं अब देखने वाली बात ये है कि पलवल प्रशासन यमुना नदी किनारे बसे लोगों को कितनी राहत दे पाता है और पानी से होने वाले नुकसान से लोगों को कितनी राहत पहुंचती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सत्य खबर सत्य सटीक बेबाक।